हे एवरीवन, स्वागत है एक बार आपका फिर मेरे चैनल पर और इस बार मेरे घर में भी। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपना वन बेडरूम अपार्टमेंट। बहुत ही मिनिमल डेकोर कर रखा है मैंने, क्योंकि ये रेंटेड अपार्टमेंट है इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ इसमें रखा नहीं है। जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं सिर्फ वही रखी है। ये है एक 360 डिग्री व्यू ऑफ माई अपार्टमेंट और ये वन बेडरूम का है। तो यहाँ पर घुसते से ही राइट साइड में एक बड़ी सी क्लॉज़ेट है, जिसमें हमने हमारी जितनी भी बेडशीट्स हैं, शूज़ वगैरह हैं और लगेज वगैरह जो भी चीज़ें हैं असेंशियल्स, वो सब रखी हुई है। कुछ हैंगर्स रखे हैं ताकि हम आए और जाएं कभी घर से तो कोट वगैरह टांग सकें आराम से। और नीचे स्ट्रोलर वगैरह, डायपर्स के बैग्स वगैरह सब यहीं पर रहते हैं। तो ये क्लोज़ेट मैं बंद कर देती हूँ और अब चलते हैं आगे। तो इस साइड एक आइल टाइप बनी हुई है, तो मैंने यहाँ पर अपने आईडी कार्ड, सैनिटाइज़र्स, होम कीज़, मास्क वगैरह रखे हुए हैं और बाकी सब खाली है। और ये है किचन, तो अभी मुझे खाना बनाना है तो इसके लिए ये सब चीज़ें अभी बाहर हैं। यहाँ पर है माइक्रोवेव, अवन, फ्रिज, जो भी असेंशियल चीज़ें होती हैं किचन में बेसिकली वो सब हैं। और फ्रिज के ऊपर मैंने पोटैटो, अनियन वो सब रखे हुए हैं और एक टू डू लिस्ट की चीज़ है। तो ये है ओवरऑल किचन का लुक। और यहाँ से भी एक वे है ड्राइंग रूम में जाने का और एक इधर से भी है, तो ये बोथ वे से हम जा सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। और यहाँ पर एक है 3 सीटर डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, टीवी और इधर एक छोटा सा हमने मंदिर बना रखा है। एकदम मिनिमल डेकोर कर रखा है यहाँ पर मैंने। और यहाँ पर वाटर जग्स वगैरह रखे हुए हैं। इधर सोफ़ा है, सेंटर टेबल है और रग बिछा रखा है। और इधर है टीवी टेबल और टीवी, साथ ही मैंने 2 लैंप्स लगा रखे हैं। और इधर रखी है मैंने एक चेयर, ये काफ़ी कंफर्टेबल चेयर है। और ये स्पेस जो है मैंने अपनी बेटी को दे रखी है ताकि वो उसके टॉयज़ वगैरह रख सके और यहीं पर वो खेल सके, काफ़ी स्पेशियस है यहाँ पर। और ये 2 बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं और काफ़ी अच्छा व्यू और लाइट आती है यहाँ पर। एक बार मैं आपको इसका व्यू दिखाती हूँ। आज काफ़ी रेनी डे है और बिल्कुल भी सन नहीं निकला है तो काफ़ी ग्लूमी सा लग रहा है, वरना काफ़ी अच्छी लाइट्स आती है यहाँ पर। और ऊपर मैंने 2 फ़ोटो फ्रेम्स लगा रखी हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। और इधर से हमने एंटर किया था, ये है मेरे हस्बैंड का क्लोज़ेट, जो एक्चुअली जो अपार्टमेंट में सबसे छोटा क्लोज़ेट होता है वही उनको हमेशा मिलता है। और उधर है वॉशरूम। चलिए चलते हैं बेडरूम में। तो यहाँ पर है एक बड़ी सी क्लोज़ेट है जिसमें मैं अपने और अपने बेटी के क्लोथ्स रखती हूँ। और साइड में मैंने एक टेबल रख रखी है पानी वगैरह रखने के लिए रात को। और इधर मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी उन्होंने सेटअप कर रखा है, चेयर और टेबल लगा रखी है। और साइड में मैंने अपनी बेटी का बेड रखा हुआ है, वो वहीं सोती है। और उधर मैंने एक नाइट टेबल रख रखी है। और इधर से भी सेम व्यू आता है। ये विंडो थोड़ी छोटी है बाहर वाली विंडो से, बट काफ़ी अच्छा व्यू आता है, लाइट भी बहुत अच्छी आती है। तो ये है एक ओवरऑल घर का लुक। ये बहुत फैंसी नहीं है, काफ़ी सिंपल और सोबर रखा हुआ है, सिर्फ असेंशियल चीज़ें हैं। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।